हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ एंड ब्लॉग्स। मैं आपका दोस्त पंकज। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं, बहुत अर्ली सुबह नहीं है, टाइम निकल गया है, सूरज ऑलरेडी सिर पे चढ़ने वाला है, गर्मी तो शुरू हो चुका है, गर्मी का मौसम। तो ये गर्मी का मौसम जो है ये वाकई में बहुत परेशानी करता है। मोटा मोटी मॉडरेट रहे, ना गर्मी ना ठंडा ज़्यादा, तो वो टेम्परेचर ठीक लगता है, मगर गर्मी तो वाकई हद है। जो मैं दिखाना चाह रहा था वो ये है, यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे ये लाल साग का भड़मार, डेली लाल साग चल रहा है, लाल पत्ता भी निकला है कहाँ पे, आम में। हाँ, ये नया पत्ता है, नया पत्ता इसलिए रेड है, सभी पेड़ में नहीं होता है बट होता है। और बैगन भी लगभग ठीक ठाक है, मगर जो मैं मेन दिखाना चाह रहा था वो ये है कि बैगन में एक कीड़ा लगता है जिसको कहते हैं तना छेदक या फल छेदक भी क्या कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो आप देखिए, आप खुद आइडेंटिफाई कर पाइएगा। इतना सारा जगह में ये सभी पेड़ ठीक है, मगर देखिए ये जगह, ये जो नया पत्ता है ये कैसे मुरझा गया है, ये देखिए नया पत्ता एकदम सोया हुआ है। तो इससे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे ऑलरेडी कीड़ा है। तो इस तरीके से जब भी हो, मैं भी कर कर के सीख रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते वो लोग भी सीख जाएंगे। अगर आप देखिएगा मेरा वीडियो इस तरीके का, जो मैं इन चीज़ों से रिलेटेड दिखाता हूँ, तो मैं भी जानता नहीं था, ये सब करने के बाद ही धीरे धीरे सीख रहा हूँ। कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदा भी हुआ, कुछ खाने को भी अपना ऑर्गेनिक मिला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एकदम छोटे से ही सीख लेता है, तो करते करते ही सीखना पड़ता है सभी को। तो अभी भी सीख ही रहे हैं कह सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से कीड़ा अंदर बैठा हुआ है, ये आपको पता चलेगा। पहले जो करना है वो ये है कि इस वाले पोर्शन जो आपको लग रहा है सो गया है, इस वाले पोर्शन को आप काट के निकाल दीजिए, नहीं तो ये आगे चल के और नुकसान करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कीड़ा वहाँ से है, मैं आपको दिखाऊंगा खोल के, मगर उसके पहले भी इसको तुम पकड़ो, ऐसे ही पकड़ के रखना, ठीक है, कुछ करना नहीं। मैं दूसरा वाला भी तोड़ लेता हूँ तब तक, जहाँ पे है कीड़ा। जो भी दो चार जगह पे इस तरीके का दिख रहा था उसको तोड़ लिए हैं और सीधा चलते हैं अंदर, अंदर जाके इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। देखिए ये वाला, मैं ऐसे तो यूजुअली मैं इसको फेंक देता, बट आपको जस्ट दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। देखिए साफ से अभी दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा और अच्छा से पूरा इसको खोल देता हूँ। बहुत ही छोटा है एक्चुअली, ये और अंदर रहता तो ये बड़ा हो जाता, मगर इनिशियली बहुत छोटा वाला कीड़ा है, तो इस वजह से आपको बहुत बड़ा ये नहीं दिखेगा, मगर ये छोटा सा कीड़ा जो है ना, एकदम माइनर बोल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी है आपको आपके पेड़ को डैमेज करने के लिए। ये छोटा सा कीड़ा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, छोटा सा कीड़ा है, और ये छोटा सा कीड़ा पूरा इस इतना बड़ा एरिया को सुखाने के लिए काफ़ी है। यही अंदर अंदर खाता और पेड़ को पूरा नुकसान भी पहुंचाता और मोटा तगड़ा होकर अंदर में बैठा हुआ रहता। उधर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं ये दोबारा दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ही छोटा है। तो इसको तोड़ लीजिए और तोड़ के आपका जहाँ भी पेड़ है बैगन का उससे हटा के दूर फेंक दीजिए, जिससे फिर ये वापस ना आए। बैगन में सबसे बड़ा परेशानी यही है कि आपको डेली मॉनिटर करना पड़ेगा। खैर, एग्रीकल्चर रिलेटेड और एनिमल हस्बेंड्री में तो वो तो है ही कि आपको डेली मॉनिटर करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ, वो कहते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस वही वाली बात है। तो डेली आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी पत्ता इस तरीके से सो जा रहा है बैगन का, तो क्या हुआ, तो उसको इमिडिएटली तोड़ के हटाइए। और स्प्रे ज़रूरी है, उसका वैसा होने का मतलब यह है कि आपका पेड़ में ऑलरेडी कीड़ा आ चुका है, तो वो जो पोर्शन आप काट के हटा रहे हैं वो तो कीड़ा निकल जाएगा, मगर उसके बाद जो बाकी कीड़े दूसरे जगह पे हैं उनके लिए स्प्रे करना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपका पूरा जो फसल है, पूरा पेड़ है, वो पूरा पेड़ का बाड़ा बजा देगा। अगले वीडियो में देखिए, हमारा पाइपलाइन थोड़ा डैमेज हो गया है, तो इसको लेके हम लोग कितना परेशान हुए उससे रिलेटेड है।
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।